नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। देश में आए दिन बैंकिंग सेवा के साथ साथ देश की कई बड़ी संस्थानों में बदलाव होते रहे हैं। ऐसे में भारतीय पोस्ट ऑफिस ने भी एक बड़ा बदलाव किया है। पोस्ट ऑफिस ने ग्राहकों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की है। इसी सुविधा के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में खाता खोलने वालों को पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बड़ी राहत देने की घोषणा की है। दरअसल नई सुविधा के तहत ग्राहक अब डाकघर के किसी भी नॉन होम ब्रांच में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा कर सकते हैं। बता दें कि ग्राहक पहले 25,000 रुपये से अधिक की रकम का चेक जमा नहीं कर पाते थे। अगर आपके पास भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता है तो आपके लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है। बता दें कि अब पोस्ट ऑफिस को भी इंटरनेट बैंकिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। डाक विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया है कि अब ग्राहक भारतीय डाक इंटरनेट बैंकिंग को बिना परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अब वे बड़ी आसानी से पैसे की लेन देन कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के घर बैठे किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। साथ ही अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ खाताधारक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के RD, FD, NSC स्कीम के संबंधित किसी काम को घर बैठे आसानी से निपटा सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा गया है कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ पाने के लिए पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वैलिड सिंगल या फिर ज्वाइंट अकाउंट वाले EKYC संबंधित दस्तावेज आपको जो है ज़रूरी अपडेट करने होंगे। साथ ही साथ आपके पास एक्टिव ATM कार्ड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अकाउंट का मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट पे दिया है वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अकाउंट के साथ पैन कार्ड भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को पाने वाले ऑनलाइन खाताधारक जो है आसानी से ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप पोस्ट ऑफिस को सर्व कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप अपनी तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने अब एक और नए नियम में बदलाव किया है, जिसके तहत डाक विभाग ने यह बताया है कि डाकघर के बचत खाता यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट चेक स्वीकार करने की सीमा से भी जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। बता दें कि लोगों ने शिकायत की थी उन्हें किसी भी CVS पोस्ट ऑफिस ब्रांच में PDF, RD और सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह भी बताया गया है कि किसान विकास पत्र को पोस्ट ऑफिस मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया गया है कि इस योजना से पैसा लगाकर लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मौजूदा समय में इस योजना में 7.6% का ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस के तहत जो कई ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत जो है आप पैसा इन्वेस्ट कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसको लेकर भी जो है मीडिया में खूब खबरें चल रही हैं। बैंकिंग सेवा के तहत अगर हम देख रहे हैं तो देश में पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल किया जा रहा है, जिससे कि लोग अब पोस्ट ऑफिस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और लोगों को यहां कम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग सेवा में ग्राहकों को अपना काम करवाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्हीं कार्यों को करते हैं तो आपको कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको जो है अच्छी स्कीम मिलने वाला है। तो एक तरह से कह लें कि पोस्ट ऑफिस में जो है लगातार बदलाव किया जा रहा है ताकि लोग जो है उसकी जटिलता से दूर होकर सरल रूप से जो है पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ सकें और उसकी स्कीमों को समझ सकें और वहाँ पर उसका लाभ उठा सकें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।